हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ब्लड लेसन का क्वेश्चन नंबर टाइप थ्री का 12 नंबर तक अभ्यास किए थे, 11 नंबर तक, और आज हम लोग 12 से अभ्यास करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। आज सारा क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि कोडेड ब्लड लेसन है ये। अब देखिए, 12 से 13 तक के लिए कोड दिया हुआ है। कोड है, भाग का अर्थ है बहन, भाग का अर्थ बहन है, और गुना का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है माता, और प्लस का अर्थ है पिता। कोड को रटना नहीं है, कोड कुछ भी हो सकता है। इस दो प्रश्न के लिए दिया हुआ है, 12 और 13 के लिए कोड। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एम टी का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, यानी एम जो है ये मामा है। किसका? टी का। इसका ये मामा है, एम टी का मामा है, ये प्रश्न है। इसके लिए देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा, तो ऑप्शन एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एम भागा के प्लस टी है। हमेशा हम लोग इधर से बनाते हैं, और अगर किसी को इस टाइप में पकड़ बनाना है तो इसका पहला क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, यानी ब्लड लेसन का पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इस टाइप में तो अगर कोडेड को देखना है तो फिर जो है इसके एक नंबर से जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, क्लास थर्ड या फोर, ये फाइव क्लास होगा, फोर क्लास तक हुआ है इसका, ये पाँचवा क्लास चल रहा है। अब इसमें देखिए, प्लस का अर्थ पिता है, मतलब ये जो भी है लड़का लड़की, इसका ये पिताजी है। भाग का अर्थ है बहन, मतलब इसका ये बहन है। तो एम का टी का मामा है, तो इसका पिताजी की बहन, तो मामा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी है एम गुना के प्लस टी, प्लस का अर्थ है पिता और गुना का अर्थ है भाई, तो इसका ये पिता, पिता के भाई तो मामा नहीं होगा, तो चाचा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है एम गुना के माइनस टी, माइनस का अर्थ है माता और गुना का अर्थ है भाई, गुना का अर्थ है भाई। तो ये देखिए, ये वाला ऑप्शन, एम जो है टी का मामा है, तो इसका तो मामा हो गया ये, क्योंकि ये जो भी है लड़का लड़की, इसका तो लड़का है या लड़की है, जो भी है इसका ये माँ है, माँ की भाई, तो इसको मामा ही लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन सी आ ही गया, तो अगला ऑप्शन क्यों चेक करें, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी कोड से प्रश्न और हैं, उसको भी देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इसी कोड से बनाना है उसको भी। एच टी का पैटर्नल अंकल है, पिता से संबंधित, पैटर्नल अंकल मतलब पिता से संबंधित, यानी चाचा, एच टी का चाचा है, मतलब ये चाचा होना चाहिए, ये टी का चाचा होना चाहिए, इसका ये कौन है, चाचा है। पैटर्नल मतलब पिता से संबंधित, मैटर्नल मतलब माता से संबंधित, तो पैटर्नल अंकल है इसका, ये चाचा है। तो ऑप्शन से इसको भी चेक करना पड़ेगा एक एक करके, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एच प्लस जे प्लस टी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस का मतलब है पिता और इसका पिता का पिता, देखिए तो पिताजी का पिताजी तो दादा हो जाएगा, तो चाचा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, टी गुना के प्लस एच, प्लस का अर्थ है पिता और गुना का अर्थ है भाई, तो पिता, इसका पिता का भाई, देखिए एच जो है टी का चाचा होना चाहिए, यहाँ तो टी चाचा हो गया ना, इसका ये पिता, पिता का भाई चाचा। जनरली मिस्टेक करके आता है विद्यार्थी, ये सोच लेगा कि ये इसका पिताजी, पिताजी का भाई चाचा हो गया, चाचा तो टी हुआ, ये तो भतीजा या भतीजी हो गया ना, इसके बारे में अभी पता नहीं है, लड़का एक लड़की है, अगर लड़का है तो लड़का का ही पिताजी है, अब पिताजी का भाई है चाचा होगा, अगर लड़की है तो लड़की के पिताजी, पिताजी का भाई है चाचा, चाचा टी हुआ, यहाँ चाचा कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए टी का चाचा, यानी इसका ये चाचा होना चाहिए, तो इसका भतीजा या भतीजी हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी है एच प्लस जे गुना टी, गुना का अर्थ है भाई, इसका अर्थ है पिता, तो भाई का पिता, इसको भी पिता ही लगेगा, तो चाचा नहीं लगा, गुना का अर्थ भाई है, तो भाई का पिताजी, तो इसको भी पिता ही लगा, तो इसको पिताजी लगा, तो इसका ये कौन हो जाएगा, चाचा तो नहीं होगा। सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, एच माइनस जे प्लस टी, प्लस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ पिता है, और माइनस का अर्थ है माता, तो पिता की माता, तो इसका कौन लग गया, दाद, इसकी पिताजी की माता, तो दादी लग जाएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, ई,
यानी इसका आंसर हो जाएगा नन, ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला 14 से 15 तक के लिए कोड है, गुना का कोड है बहन, गुना का अर्थ बहन है, प्लस का है माता और माइनस का अर्थ है पिता और भाग का अर्थ है भाई, ये कोड दिया हुआ है। पहला प्रश्न है 14 नंबर 14 नंबर प्रश्न है डब्लू एच का ग्रैंडफादर है, मतलब दादा या नाना है, ये डब्लू होना चाहिए दादा या नाना इसका एच का, इसको भी ऑप्शन से देखना पड़ेगा एक एक करके। देखिए ऑप्शन ए में है डब्लू प्लस टी माइनस एच, तो माइनस का अर्थ है पिता और ये इसका पिता हो गया, पिता का माता तो दादा तो नहीं हुआ, पिताजी का माता दादी हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखिए ग्रैंडफादर दादा या नाना चाहिए, बी में है डब्लू भागा टी माइनस एच, तो माइनस का अर्थ है पिता और पिता का भाई तो भी दादा नहीं होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा, पिता का भाई चाचा हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए सी में है डब्लू गुना टी प्लस एच, इसका अर्थ है पिता और पिता का गुना का अर्थ है बहन, पिता की बहन जो है हुआ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं लास्ट है प्लस एच, प्लस का अर्थ है माता और माता की भाई मामा हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, नन, ऑप्शन में नहीं है तो नन हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर का आंसर आ गया नन, 15 नंबर भी इसी कोड से है, 15 नंबर भी इसी कोड से है, 15 नंबर है एम आर का नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब निस मतलब भतीजी, भतीजा है, भतीजा है, निस मतलब भतीजी होता है, इसका मतलब भतीजा, यानी कि एम जो है इसका भतीजा है, तो ये इसका चाचा होना चाहिए, ये इसका भतीजा, ये प्रश्न का डिमांड है। तो देखिए इसको भी ऑप्शन से बनाना पड़ेगा एक एक करके, तो पहला ऑप्शन है एम भागा टी माइनस आर, तो एम जो है भतीजा होना चाहिए और आर होना चाहिए चाचा, तो देखते हैं इसमें माइनस का अर्थ है पिता, तो इसका ये पिताजी हुआ इस बच्चे का और पिताजी का भाई, पिताजी का भाई जो है तो इसका ये चाचा हुआ। यहाँ देखिए एम भतीजा होना चाहिए आर चाचा होना चाहिए, विद्यार्थी जनरली ये टिक मार के आ जाएगा जो कि बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि भतीजा एम होना चाहिए आर नहीं, यहाँ देखिए इसका पिताजी का भाई तो ये चाचा हो गया, ये चाचा नहीं, ये भतीजा होना चाहिए तो गलत हो गया। अब ये भतीजा या है या भतीजी है नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाए, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, इससे ये पूछेंगे इसका ये कौन हो गया चाचा, इसका ये भतीजा है भतीजी आर हो गया, यहाँ आर को चाचा होना है और एम को भतीजा होना है, ये ही चाहिए। ऑप्शन बी है आर भागा टी माइनस एम, माइनस का अर्थ है पिता और भाग का अर्थ है भाई, देखिए ये लड़का लड़की जो भी है नहीं पता, इसका पिताजी पिताजी का भाई ये तो चाचा हो गया, लेकिन यहाँ भी विद्यार्थी गलत कर देता है, इसको टिक मार देगा जो कि ये भी गलत है, क्योंकि आर चाचा हुआ लेकिन एम यहाँ क्या चाहिए, एम आर का भतीजा है, इसके बारे में कहाँ पता है, अगर प्रश्न में लिखा रहता है कि एम एक पुरुष है एक लड़का है तो फिर इसका ये भतीजा होता है, अब ये लड़का है एक लड़की नहीं पता, इसका चाचा पिताजी पिताजी का भाई ये चाचा हुआ तो इसका ये भतीजा या भतीजी हो जाएगा, ये तो भतीजा नहीं हो पाया, कन्फर्म नहीं है, अगर लिखा रहता कि एम एक लड़का है पुरुष है तो फिर ये कन्फर्म हो जाता, तो ये लड़की भी हो सकता है भतीजी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आर गुना टी प्लस एम गुना जे, तो यहाँ देखिए गुना का अर्थ है बहन, गुना का अर्थ बहन है तो किसी की बहन है तो ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि ये अब एम एम होना चाहिए भतीजा, तो इसकी बहन है जो भी है लड़का या लड़की इसका ये बहन है तो अब भतीजा कभी बनेगा नहीं, तो सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी अब देखते हैं एक ऑप्शन बचा है उसके बाद नहीं होगा तो फिर नन हो जाएगा। आर भागा टी माइनस एम भागा जे, देखिए भाग का अर्थ है भाई, इसका अर्थ भाई है जो भी लड़का लड़की है ये लड़का ही है प्लस है मेल है ना, इसके बारे में नहीं पता एक लड़का एक लड़की है जी, लेकिन एम तो है कन्फर्म है कि इसका भाई। अब देखिए माइनस का अर्थ है पिता, तो इसका ये पिताजी वो इधर से हमको मतलब नहीं, शुरू से चलने से क्या है ना ये पता चल जाता है कि लड़का एक लड़की तो ये लड़का है किसी का भाई है तो लड़का ही है। अब इस लड़का का ये पिताजी पिताजी का भाई तो पिताजी का भाई ये चाचा हो गया, तो ये स्पष्ट है कि इसका ये जब चाचा हुआ तो ये इसका भतीजा हुआ क्योंकि ये लड़का है,
किसी का भी इस दोनों में से ही लड़का लड़की जो भी है इसका ही भाई है, तो कन्फर्म है कि लड़का, हमको इधर से मतलब नहीं, शुरू से चलने पर दाएं तरफ से पता चल जाता है कि ये कौन है, ये एक लड़का है। अब इसका ये भाई है, सॉरी पिताजी है, पिताजी का भाई चाचा, तो ये इसका भतीजा हुआ, तो एम भतीजा हुआ और आर चाचा हुआ, तो एम भतीजा आर चाचा होना चाहिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 और 15 इसी कोड से था, अब देखिए 16 से 20 एक कोड में है, अब ये 5 नंबर है। तो अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन तो लग रहा था कि पहला भी होगा दूसरा भी होगा, तो इस तरह से विद्यार्थी गलत मार्क के आता है। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, लॉजिक जो है बनाने का, पकड़ने का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से तो लग रहा था कि ये भी होगा ये भी होगा। अब देखिए कोड है 16 से 20 तक के लिए कोड है, भाग का अर्थ है पुत्र और गुना का अर्थ है बहन, गुना का अर्थ है बहन। और प्लस का अर्थ है भाई, कोड रटना नहीं है, हर प्रश्न के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ, माता इसमें 4 प्रश्न के लिए कोड दिया हुआ, 5 प्रश्न के लिए। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि टी गुना आर प्लस भी भागा एस में टी का एस से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये प्रश्न है, टी का एस से क्या संबंध है। अब देखिए ये हम लोग पहला क्लास में ये कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं कि से वाला बात से चलेंगे, टी का एस से क्या संबंध है का मतलब है कि टी कौन है एस का, इसका मतलब यही है कि टी जो है कौन है एस का। तो अगर इस ये आपको नहीं सोचना है, देखिए क्वेश्चन तो 5 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि टी कौन है एस का, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, एस कौन है टी का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, दोनों के बीच में क्या संबंध है टी एस के बीच में, किसी को इस तरह के प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। कन्फ्यूजन यहाँ होता है का वाला में, तो का वाला में मतलब ही होता है टी का एस से क्या संबंध है का मतलब हुआ टी कौन है एस का। तो इसको भी अगर आप मीनिंग के इस तरह से तोड़ना नहीं चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि से तरफ से चलिए और एरो ला के छोड़िए, मतलब ये कौन, मतलब टी कौन हुआ, लिंक किसे लेना है एस से, यहाँ से चलेंगे आएंगे किसके पास, टी के पास। तो यहाँ से देखिए अब ये लड़का है कि लड़की नहीं पता है ना, एस क्या है, सालू है कि साहिल है नहीं पता, जो भी है इसके बारे में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पता हो जाएगा है ना कि क्या है। लेकिन यहाँ देखिए अभी तो कन्फर्म है नहीं, लिखा भी नहीं है कि ऐसे एक पुरुष है या महिला, तो अभी आपको इसको या में ही रहने देना, लड़का या लड़की जो भी है, इसका भाग का अर्थ है पुत्र, ये जो भी है इसका ये बेटा है, पुत्र है भी, भोला है ना। प्लस का अर्थ है भाई, तो भोला का भाई हो गया, रोला जो भी नाम है इसका मान लेते हैं ये दोनों भाई आपस में। अब गुना का अर्थ है बहन, तो इसका ये कौन हो जाएगा बहन, तो देखिए तीनों आपस में क्या हो गया, बहन भाई बहन हो गया है ना, तो इसका ये हो गया पुत्र, पुत्र की भाई, तो पुत्र की भाई तो इसको पुत्र ही लगा, और उसकी बहन तो क्या लगा, इसको पुत्री लगा। हाँ जो है टी का एस से क्या संबंध है का मतलब हुआ टी कौन है इसका, तो टी कौन है मतलब ये कौन है, लिंक किससे लेंगे, तो इसका ये पुत्री, पुत्री के भाई तो पुत्र, मतलब दो टो बेटा हो गया, उसका बहन मतलब पुत्र का बहन, तो पुत्री ही लगा, इसको क्या लगा पुत्री, आंसर हो जाएगा पुत्री। तो इसके बारे में अगर पूछा जाएगा इससे कि ये कौन है, तो माता या पिता आंसर हो जाएगा, लेकिन पुत्री ऑप्शन में नहीं है, जिसके लिए आंसर हो जाएगा तब ऑप्शन नंबर ई, नन। प्रश्न के हिसाब से तो हुआ पुत्री, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, इसी कोड से ये 20 तक बनेगा। 17 नंबर प्रश्न है, टी गुना आर भागा भी माइनस एस में टी का एस से क्या संबंध है, संबंध है ये क्वेश्चन, क्या संबंध है। देखिए टी का एस से मतलब एस से लिंक लेंगे और आएंगे किसके पास, टी के पास है ना। अब देखिए इसमें टी का एस से क्या संबंध है क्वेश्चन, अच्छा यहाँ सिर्फ भाग का अंतर ना, तो यहाँ देखिए माइनस का अर्थ है माता, ये जो भी है लड़का या लड़की इसका माँ हो गया, इसके बारे में पता नहीं है, सो एक पुरुष एक महिला, इसका ही माँ है, माँ की पुत्र, इसका ही माँ, माँ के पुत्र भाई, और भाग का अर्थ पुत्र है, गुना का अर्थ है बहन। टी का एस से क्या संबंध का मतलब हुआ टी कौन है, टी कौन है ये कौन, लिंक लेंगे, लिंक इससे लेंगे एस से, इसका ही माँ, माँ का पुत्र भाई, भाई की बहन, तो बहन ही लगेगा, इसका ये माता हो गया, माता का पुत्र जो भी होगा वो भाई लगेगा इसको, अब भाई की जो बहन है तो इसको भी क्या लगेगा, बहन लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा बहन, यानी आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
18 नंबर है, अभिव्यक्ति टी प्लस आर माइनस बी प्लस एस में टी का एस का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है, ये प्रश्न। प्रश्न तो बुक है ही, लिखा हुआ इसमें, देखिए डायरेक्ट समझिए। तो यहाँ देखिए, इसमें टी से चलना है, आना है किसके पास, एस के पास। इस बार इधर से एरो ला के यहाँ, मतलब ये कौन है इसके बारे में जानना है, एस के बारे में। तो हमेशा इधर से चलेंगे, अब ये लड़का है कि लड़की नहीं पता, प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा जो भी होगा। प्लस का मतलब है भाई, ये जो भी है लड़का लड़की, इसका ही भाई है, तो इसका बहन या भाई होगा, ये चीज़ है। जब इसका ही भाई है भी, तो इसका ये जो ये तो भाई या बहन होगा जो भी होगा। अब देखिए माइनस का अर्थ है माता, तो भाई की माता तो इसको भी माता लगा, और माता का भाई तो मामा हो गया। अब हमको पूछ इसके बारे में पूछा, इसका माँ माँ का सॉरी इसका भाई हुआ, भाई की माता तो इसको भी माता लगा, माता का भाई मामा, इसको मामा लगा। लेकिन ये लड़का है कि लड़की नहीं पता, अगर ये मामा हो गया तो ये भाईगना या भाईगिनी हो गया, आंसर हो जाएगा भाईगना, भाईगिना या भाईगिनी, गिनी, भांजा या भांजी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नहीं है, नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ना, भाईगना या भाईगिनी। क्योंकि ये अगर लिखा रहता कि एक पुरुष है तब तो इसका ये कौन होता, भाईगना ही होता, या लड़की महिला है तो भाईगिनी होता, लेकिन इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन। और 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कौन जो है एस टी का पति, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एस टी का पति है ना, ये पति होना चाहिए किसका, टी का, इसका मतलब ये इसका पत्नी है ना, इसके बारे में पूछा है, पति होना चाहिए। तो ऑप्शन से एक एक करके चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो टी गुना आर माइनस बी प्लस एस, अब जो है ये पति होना चाहिए, हमेशा इधर से चलेंगे, इसके बारे में अभी नहीं पता है, प्रश्न से स्पष्ट होगा लड़का या लड़की। प्लस का मतलब है भाई, इसका ये भाई है, भाई की माता तो इसको भी माता ही लगा, माता का बहन, माता की बहन तो इसको मौसी लग गया, तो इसका ये पति तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टी माइनस आर भागा भी गुना एस, गुना का अर्थ है बहन, इसका ये बहन है, ये जो भी है लड़का लड़की नहीं पता इसके बारे में अभी, और इसका अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है माता। अब देखिए क्या कहा, एस जो है टी का पति होना चाहिए, इसका पति होना चाहिए, इसकी ये बहन है, बहन का पुत्र, तो इसकी ये बहन हुआ, बहन का पुत्र है ना, भाग का अर्थ है पुत्र, बहन का पुत्र और उसकी माता, तो ये तो पति होगा ही नहीं, जो भी लड़का लड़की इसका बहन है तो बहन का पुत्र है, तो भाईगना की तरह हो गया, और उसकी माता तो बहन हो जाएगा है ना, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, दूसरा उपाय नहीं है, एक एक करके तो देखना ही पड़ेगा, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, टी माइनस आर प्लस भी भागा एस, इधर से चलेंगे, इसके बारे में अभी नहीं पता है, लड़का है कि लड़की है ये है ना, भाग का अर्थ है पुत्र, और पुत्र का प्लस का अर्थ है भाई, पुत्र का भाई, माइनस का अर्थ है माता, देखिए इसकी माता, इसका ये पुत्र है, पुत्र का भाई, तो दोनों पुत्र हुआ है ना, इसका ये पुत्र है तो इसका कौन हो जाएगा, माता या पिता है ना, माता या पिता, इसका ये पुत्र है तो इसका ये माता या पिता होगा, कन्फर्म नहीं है कि सौ एक पुरुष है कि महिला है। अब उसका ये भाई, तो दोनों आपस में भाई हो गए, भाई की माता, देखिए अब इधर भी माता मिलेगा, इधर भी माता मिलेगा, तो फिर दोनों भाई तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये इसका जो है माता नहीं है, माता तो इधर मिल गया, ये दोनों आपस में भाई है, इधर माता है, तो इसका ये पुत्र है, तो इसका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो इसका 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 ये पुत्र है, तो एस जो है भी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा, तो ये माता नहीं है, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएगा, पति पत्नी, तो ये इसकी माँ होगा, तो इसका ये पत्नी हो गया, तो ये एस जो है पति हो गया, तो एस पति चाहिए टीका, तो होगी ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखिए इसको, इसका ये पुत्र है तो इसका कौन है, पिता है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, इसका भाई है, तो इसकी ये माता है, तो इसका भी माता है, तो इधर भी माता, तो इधर भी माता नहीं हो सकता है, तो ये स्पष्ट है कि माता इधर है, तो ये इसका पुत्र है, तो इसका ये पिता ही होगा, तब दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, यानी टी ये जो है इसकी माता हो गया, तो इसका ये पत्नी हो गया, टी पत्नी हो गया, तो ये इसका पति हो गया, एस पति हो गया, तो एस जो है पति होना चाहिए टी टी का, तो टी पत्नी हो गया, इसका मतलब तो पत्नी का ही तो पति होता है, पति का पत्नी, तो जब ये पत्नी हो गया तो उसका इसका पति हो गया, तो स्पष्ट है ऑप्शन नंबर सी।
और लास्ट क्वेश्चन है इसी कोड से, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, टी भागा आर प्लस भी गुना एस में भी का टी से क्या संबंध है, आगे लिखा हुआ क्या संबंध है। तो से तरफ से चलते हैं, आना किसके पास, भी के पास, मतलब ये कौन है, भी कौन है, ये इस है ना, भी कौन है। तो भी के बारे में आना है टी से, यहाँ से एरो लेंगे और आना है किसके पास, भी के पास। हालांकि इधर से चलने पर शुरू से कन्फर्म हो जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। गुना का अर्थ क्या है, बहन, तो गुना का अर्थ बहन है, तो किसी की ये बहन है तो महिला ही है, जो भी है ना, हमको इधर से कोई मतलब नहीं, शुरू से चलने से पता हो गया फीमेल है। अब देखिए, प्लस का अर्थ है भाई, ये महिला का भाई ये हो गया, और इसका ये भाग का अर्थ है पुत्र, है ना, पुत्र, तो इसका ये पुत्र हो गया, ये महिला का भाई, भाई का पुत्र, तो ये भतीजा हो गया, ये महिला इसका कौन हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। ये जो भी है फीमेल है, किसी की बहन है तो महिला ही है, और इसका ये बहन है, सॉरी, इसका ये भाई है, और प्लस का अर्थ भाई और भाग का अर्थ है पुत्र, तो इसका ये भाई है, भाई का पुत्र, तो इसको ये भतीजा लगा, तो ये फीमेल है, तो इसका तब के लगेगा, बुआ लगेगा, आंसर हो जाएगा बुआ। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंटी भी चलेगा, आंटी को भी बुआ कहा जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आंटी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, है ना, आंटी, आंट हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसमें से 16 से 20 तक क्वेश्चन हम लोग देखें, और 21 और 22 जो प्रश्न है थोड़ा सा उल्टा कोड में, उल्टा नहीं है चूँकि हम लोग सब क्वेश्चन इधर से जो बनाते हैं ना, इसीलिए इसमें जो है मिक्स टाइप का लगेगा, इसका कोड लिख देते हैं जैसे कि तब समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज किया क्वेश्चन में, लॉजिक यही है, बनाने का सारा प्रोसेस यही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। अब देखिए, इसको हम लोग भी देखते हैं क्वेश्चन को, क्या इसमें कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज किया प्रश्न को, देखिए इसका कोड लिख देते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। ए स्टार बी का अर्थ है, का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब देखिए, जैसे यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी है, इसी तरह अभी हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे जो कि हम इधर से बना रहे थे, तो सुविधा हो रहा था बनाने में, सारे प्रश्नों को हम इधर से बना रहे थे, लेकिन ए ऑब्लिक बी है, यहाँ स्टार का कोड है या ऑब्लिक का, तो यहाँ इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है बी ए की माता है। इस बार देखिए कोड यही है कि यहाँ ए बी था, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ बी ए है, इस बार ऐसे पलट दिया, तो क्या दिक्कत है, हम लोग सब क्वेश्चन इधर से बना रहे थे, जो कोड पलटा है इसमें इधर से चलेंगे, पलट से चलेंगे, जैसे बोलते थे ये इसकी भाई है तो इस बार इधर वाला कहेंगे, जैसे इसमें माता का तो उधर वाला माता होगा, जैसे ऐसे ये भी रहता, यहाँ भी ये भी रहता, तो इधर वाला माता होता, एरो ऐसे ही चलता, इस बार एरो उल्टा चलाएंगे, बस यही फ़र्क है थोड़ा सा, इसको जो है लॉजिक सारा वही है, कन्फ्यूज कर जाता है विद्यार्थी कि इसमें उसी हिसाब से बनाने पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, और ये रेयर ऐसा आता नहीं है, सारा इसी एक ही तरह का कोड वाला आता है, लेकिन मतलब इधर से ही बनाने वाला, ऐसा अगर आ जाए तो फिर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न घुमा देता है। तो देखिए, इसमें माइनस का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी का पिता है, तो ए बी है, यहाँ भी ए बी यहाँ है, इधर से ही चलेंगे, सॉरी इधर से बनाते हैं हमेशा, है ना, और ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, बहन है, ये पलट गया, ए बी है या बी है, तो इस बार यहाँ भी पलट देंगे, हम लोग जनरली ये तरीका को फॉलो करते हैं बनाने में, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये दो ठो प्रश्न इसका कोड उल्टा है, उल्टा है नहीं, क्योंकि हम लोग सब इधर से बनाते हैं तो इसीलिए ये उल्टा लग रहा है, तो हम इसको अलग हट के चिन्ह दे देते हैं, जैसे ये वाला उल्टा हो गया, ये वाला और उल्टा कोड हो गया ये वाला, तो इसको हम लोग इधर से जैसे बोलते थे ना, तो इधर वाला को बोलेंगे, जैसे भी क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 21 नंबर प्रश्न देखिए, एल एच की पुत्री है, है ना, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करके देखते हैं ना, तो फिर एक एक करके सब चेक करना पड़ेगा। एच माइनस जे प्लस स्टार जो है आर प्लस एल है। अब यहाँ से जिस तरह प्लस प्लस उल्टा कोड वाला है क्या, हाँ उल्टा कोड वाला, उधर वाला प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है बहन, तो बहन है प्लस का अर्थ, मतलब आर की बहन हो गया एल, ठीक है। स्टार इधर वाला है, एरो इधर वाला कोड वाला, इधर वाला ही हम लोग सीधा मानते थे, ए बी ए बी, उल्टा किसको मानते हैं, ए बी है जैसे बी है, जनरली हमेशा ये वाला ही प्रश्न पूछता है, ये वाला और ये सीधा कोड वाला, ये रेयर है, तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। स्टार वाला हो गया सीधा कोड वाला, मतलब इधर वाला, आर का ये कौन है, बहन है,
आर की बहन हो गया, और आर का ही स्टार का अर्थ है भाई, आर का ये भाई हो गया, इसका ये बहन। तो ये लड़का है कि लड़की नहीं पता, जो भी है इसका ये बहन है इधर और इसका ये भाई है। माइनस का अर्थ है पिता, तो सीधा कोड वाला है तो पिता इधर वाला होगा, है ना, तो इसका ये पिता हो जाएगा, तो इसका ये पिताजी हुआ। अब देखिए ये सब आपस में दोनों की तीनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। इसका ये बहन है तो इसका ये भाई या बहन है प्लस या माइनस है, और इसका ये भाई है तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया। और ये तो फीमेल है, इसकी बहन है तो फीमेल है, और इसकी पप्पा है तो सबका पप्पा हुआ, तो इसका ये पुत्री नहीं हुआ, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर। ये तीनों आपस में भाई बहन है, इसके बारे में भले ही नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन तीनों आपस में भाई बहन है। इसका ये भाई है तो इसका भाई का पिताजी, तो इसको भी ये पिताजी लगा, इसको भी लगा, तो इसका पुत्री हो गया, क्योंकि एल एक एल आर की बहन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी कोड से 21 नंबर प्रश्न भी है, सॉरी 21 और 22 नंबर प्रश्न भी इसी कोड से। 22 नंबर में है टी पब्लिक पी प्लस एस में एस टी से कैसे संबंधित है, ये पूछा एस टी से कैसे संबंधित है ये क्वेश्चन। तो टी से लिंक लेंगे, आना है इसके पास, टी से लिंक लेंगे, से तरफ से चलेंगे और आएंगे किसके पास, इसके पास, मतलब ये कौन। तो देखिए बनाएंगे, यहाँ देखिए इसमें ऑब्लिक है और प्लस वाला कोड है, दोनों उल्टा कोड वाला ही है, तो इधर से नहीं, हम लोग जनरली इधर से बनाते हैं, इस बार इधर से बनाएंगे, इधर से नहीं बनाएंगे। तो ऑब्लिक का अर्थ है माता, मतलब माता हो गया टी की माता हो गया ये, है ना पी, और प्लस का अर्थ है बहन, तो पी की बहन हो गया ये। तो इसके बारे में पूछा है कि ये कौन, यहाँ से इसकी, ये जो भी है लड़का लड़की, लड़का रहे या लड़की रहे जो भी, इसके बारे में नहीं पता। इसका ये माता, माता की बहन कौन लगेगा, मौसी, तो मौसी हो जाएगा आंसर। तो मौसी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंटी को कहा जाता है इसको, आंट, है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंटी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें 23 से 28 तक है एक ही कोड पे, और ये तुरंत खींचा जाएगा क्योंकि एक ही कोड पे है 23 से 28 तक। ये प्रश्न बिल्कुल अलग था, अलग मतलब मिक्स कर दिया था कोड को, है ना, थोड़ा सा इसको दोनों तरफ से, जनरली हम लोग जो बनाते हैं इधर से बनाते हैं। अब देखिए 23 से 28 तक के लिए कोड है, कोड है, पहला प्रश्न है प्लस, पहला कोड है प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है पुत्र, पुत्र, और प्लस का अर्थ पुत्र है, माइनस का अर्थ है पत्नी, और भाग का अर्थ है पिता, गुना का अर्थ है बहन, ये कोड दिया हुआ है। अब इसी कोड से 23 से 25 तक के लिए अलग क्वेश्चन है एक साथ, और फिर 23 से 28 तक के लिए क्वेश्चन एक साथ है। तो एक ही बार इसको तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं, है ना, एक ही साथ देखते हैं। ये है एस, यदि 23 से 28 तक के लिए है, उसमें से 23 से 25 तक के लिए, फिर 25 से 28 तक के लिए दो पार्ट में दे दिया। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है एस भागा एच गुना आर माइनस ए प्लस बी भागा के। तो पहला प्रश्न है 23 नंबर कि आर का के से क्या संबंध है, एक साथ ही निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका। 24 है एस का ए से क्या संबंध है, इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और 25 है एच का ए से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पहले सबका कोड लिख लेते हैं, एक बार में सारा निकल जाएगा तीनों प्रश्न। भाग का अर्थ है पिता, ये सीधा कहीं कोई झमेला वाला प्रश्न नहीं है, वो जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कोड था, दोनों मिक्स टाइप का था, वो बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, जैसे ऐसे पूछता है। अब इसके बारे में नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है, नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है, नहीं पता, लेकिन जो भी है हमेशा इधर से बनाएंगे। और इक्के का ये पिताजी हो गया, प्लस का अर्थ पिता, भाग का अर्थ, सॉरी भाग का अर्थ पिता, और प्लस का अर्थ है पुत्र, तो इसका इसका ये पुत्र बी का पुत्र ए हो गया। माइनस का अर्थ है पत्नी, ए का पत्नी आर हो गया। गुना का अर्थ है बहन, आर का बहन हो गया एच, और भाग का अर्थ है पिता, और एच का पिता हो गया एस। तो पहला प्रश्न है आर का के से क्या संबंध, से वाला बात तो क्लियर हो चुका है सबका, के से मतलब यहाँ से चलेंगे आएंगे किसके पास, आर के पास, मतलब ये कौन, ये कौन, तो के से चलेंगे, देखिए के से चलेंगे आएंगे आर के पास, ये जो भी है
देखिए कैसे चलेंगे, नहीं पता इसके बारे में, लड़का है कि लड़की है, इसका ये पिताजी है, पिताजी का पुत्र भाई लगेगा, भाई की पत्नी भाभी लगेगा, जो भी है, लड़की भी है तो पिताजी है, पिताजी का पुत्र भाई, भाई पत्नी भाभी, अगर लड़का भी है तो लड़का का भी पिताजी, पिताजी का पुत्र भाई, भाई का पत्नी भाभी, जो भी है इसका क्या लगेगा, भाभी लगेगा, लड़की भी है तो इसको भाभी लगेगा ही, लड़का भी है तो भाभी लगेगा। दूसरा प्रश्न है एस का ए से क्या संबंध, का मतलब एस कौन है, लिंक किसे लेंगे, ए से आना है किसके पास, एस के पास। तो ये जो भी है एक लड़का है, इस लड़का इधर से हमको कोई मतलब नहीं, अब इस लड़का की पत्नी है, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन साली, साली का पिता ससुर, आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। और एच का ए से क्या संबंध है, ए से लिंक लेंगे, किससे, ए से आना है किसके पास, एच के पास, यहाँ से चलेंगे, इसका ये पत्नी है, पत्नी की बहन साली लगेगा। तो काफ़ी इधर आसान क्वेश्चन भी था और ये काफ़ी इजी रूप से इसका तीनों का एक साथ निकाल लिया हम लोग। अब 23 से 25 तक एक साथ आ गया और फिर 23 से 28 तक इसी कोड से, इसी कोड से है, तो कोडेड में यही थोड़ा सा ध्यान विशेष रूप से देना पड़ता है कि कैसे कनेक्टेड है, लड़का है कि लड़की है, इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। लड़का का भी कोई कुछ लगता है, लड़की का भी लगता है, तो उस पर कन्फर्म कभी कभी नहीं रहता है, तो आपको उसे देखना पड़ेगा। के प्लस आर माइनस जी प्लस एम भागा ए गुना जे, तो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर है, जी का जे से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है 27 का, ए का के से क्या संबंध है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको लिख देते हैं थोड़ा समझने में सुविधा होगा। और एम का आर से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं, गुना का अर्थ है बहन, ये लड़का है या लड़की नहीं पता, जो भी है, माइनस है या प्लस है, लड़का लड़की नहीं पता है, लिखा नहीं है जे एक पुरुष है या महिला, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा पता चल जाएगा। देखिए गुना का अर्थ है बहन, इसका जे का बहन हो गया, और भाग कर पिता, तो ए का पिता हो जाएगा एम, प्लस का अर्थ है पुत्र, एम का पुत्र हो गया जी, माइनस का अर्थ है पत्नी, जी का पत्नी आर हो गया, प्लस का अर्थ है पुत्र, आर का पुत्र के हो गया। पहला प्रश्न है जी का जे से क्या संबंध, मतलब जे से चलेंगे और आएंगे जी के पास, मतलब ये कौन है ना, इसका मतलब ही हुआ, तो जे से चलेंगे, जे यहाँ है, आना है जी के पास यहाँ, ये जो भी लड़का लड़की नहीं पता, इसका ये बहन, बहन की पिता, तो इसको भी पिताजी लगा, पिताजी का पुत्र भाई लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा, भाई, अगर ये लड़की भी है तो भाई लगेगा ये, और लड़का भी है तो ये भाई लगेगा, जो भी है लड़का लड़की, इसका ये बहन, बहन का पिताजी, जिसको पिताजी लगेगा, पिताजी का पुत्र भाई लगेगा। दूसरा है ए का के से क्या संबंध है, तो के तरफ से चलेंगे, ए के पास, मतलब ए कौन है, के से चलेंगे, के तो यहाँ है और आना है किसके पास, के से चलेंगे और आना है ए के पास, मतलब ये कौन, इधर से चलने पर यह पता चलता है कि किसी की बहन है तो ये महिला है, लड़की है ये, अब हमको इधर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका ये, इस लड़की का ये पिताजी है, पिताजी का पुत्र इस लड़की को लगा भाई, भाई की पत्नी इस लड़की को लगा भाभी, भाभी का पुत्र भतीजा, तो ये लड़की कौन हो जाएगा, बुआ, पूछा है किसके बारे में, ए के बारे में, तो इसके बारे में पूछा ना किसके बारे में, तो आंसर हो जाएगा बुआ, बुआ अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंटी हो जाएगा, है ना, तो देखिए आंट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इधर से चलने पर पता चलता है कि ये किसी की बहन है तो ये कोई महिला है, अब इधर से हमको कोई मतलब नहीं, इस महिला के पिताजी, पिताजी का भाई, सॉरी, इस महिला के पिताजी, पिताजी का पुत्र, तो पिताजी, इस महिला के पिताजी, पिताजी का पुत्र कौन लगेगा, भाई, भाई की पत्नी, भाभी, भाभी का बेटा, भतीजा, ये भतीजा हुआ, तो ये महिला इसका कौन हो जाएगा, इसका बुआ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर से किस, आर से इस बार लेना है, एम के बारे में आना है, एम कौन, मतलब ये कौन, आर से चलेंगे आएंगे किसके पास, एम के पास, तो इधर से कोई रास्ता नहीं, यहीं से चलेंगे, किसी का ये पिताजी है, यहाँ से ए का ये पिताजी है, किसी का पिताजी है तो ये लड़का ही है, हमको इधर से कोई मतलब नहीं, इस लड़का का ये पुत्र हुआ, पुत्र की पत्नी, पुतहू हो गया, ये आदमी का ये जो भी है पुरुष है, इसका ये पुत्र हो गया, तो इस आदमी का ये पुरुष हो गया, ये लड़का जो भी है मेल है, इसका ये पुत्र हो गया, पुत्र की पत्नी, पुतहू हो गया, तो इसके बारे में पूछा, एम के बारे में, तो इसका ये ससुर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन का हम लोग आज कोडेड ब्लड रिलेशन एक एक करके क्वेश्चन अभ्यास किए, और सिंपल भी देखे, सिंपल टाइप वन में देखे, इशारा करके कि ये फोटो दिखाते हुए इस तरह वाला प्रश्न है ना, और टाइप टू भी तो काफ़ी सिंपल, और टाइप थ्री में तो दो क्लास लग गया, तो थोड़ा सा आज का क्लास कुछ बड़ा हो गया, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। मेन है ये कॉन्सेप्ट को तैयार करना, कहीं कहीं अस्पष्ट हो जाता है कि कौन लगेगा, और
जिसके बारे में इससे वाला बात भी हम लोग पहला क्लास से देखे कि किस प्रकार इसको जुड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सारा अभ्यास किए, सारा एक बार अभ्यास कर लेने पर जो है पकड़ बन जाएगा बिल्कुल, इसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है तीनों टाइप से क्वेश्चन, तीनों टाइप इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का जो है अगला क्लास में नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।